दोस्तों आज आपको मंदिर दर्शन बताने जा रहा है एक ऐसे खास मंदिर के बारे में जहां आज भी लगती है सांपों की अदालत। जी हां, दरअसल दोस्तों बाराबंकी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मिठड़ा गांव के मिठड़ा नाग मंदिर में बुधवार को नाग देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस बीच जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन, ये वही चैनल है जहां हम आपको रहस्यमय साथ ही साथ विश्व स्तरीय ऐसे मंदिरों की जानकारियां देते हैं, ताकि आप भी घर बैठे बैठे या दफ्तर में या ऑफिस के समय अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी आप इन खास रहस्यमय मंदिरों के दर्शन कर सके। इसीलिए इसी क्रम में आगे बढ़े और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज और जानकारियां जानने को मिलती रहे। दोस्तों एक ऐसा मंदिर जहां आज भी सांपों की अदालत लगती है। जी हां, ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में जो भी श्रद्धा भक्ति से मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। साथ ही जो लोग सांपों से परेशान हैं या जिन्हें सांपों से डर लगता है वे यहां पर दर्शन कर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ सभी तरह के जहरीले सांपों की अदालत भी लगती है और उनको नाग देवता दिशा निर्देश भी देते हैं। मजीठा गांव में अधिकतर घरों में अक्सर सांप निकलते रहते हैं, वे इन घरों में निवास करते हैं। यहाँ तक कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही किसी इंसान के मरने की आज तक कोई खबर आई है। यहाँ लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, उनको देखते ही हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं नाग देवता भी उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी हर परेशानी को दूर करते हुए चलते हैं। दोस्तों साथ ही हर साल सावन के महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, खासकर नाग पंचमी के दिन ये संख्या कई गुना अधिक बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इंसान अपने शरीर की किसी बीमारी से परेशान है तो केवल इस मंदिर पर मिट्टी की बनी छोटी छोटी मठियां चढ़ा देने से उसकी परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं दोस्तों मंदिर पर मठियां चढ़ाने आई माया देवी ने बताया कि वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों के मस्सों से परेशान थी। जब उन्होंने एक बार मंदिर में दर्शन करने के बाद मन्नत मांगी तो उनकी मुराद पूरी हो गई। वहीं एक स्थानीय निवासी युवक सुधीर के अनुसार उन्होंने बचपन से ही वह यहाँ रहते हुए आए हैं और तरह तरह के सांप वह देखते रहते हैं। यहाँ इंसानों और सांपों के बीच एक अटूट रिश्ता है, आपस में सभी घूमते हैं, कोई किसी को नहीं काटता, यानी कि सांप किसी भी इंसान को नहीं डसता है। वहीं मंदिर में बाराबंकी के अलावा कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं, साथ ही दूसरे राज्यों के लोग भी चमत्कारी नाग देवता मंदिर में दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि मंदिर में स्थित मठ पर मिट्टी की भुंडिया चढ़ाने के बाद इनके घरों में रहने से ना तो घर के अंदर सांप आएंगे और न ही जहरीले जीव जंतु आएंगे। तो दोस्तों आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और कभी भविष्य में आपको इस खास सांपों की अदालत यानी कि बाराबंकी जिले के मुख्यालय 5 किलोमीटर से दूर मजीठा गांव जाने का मौका मिले तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।